मेरे लिए एक पोजीशन बना है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ज़रूरी काम किया कि यूपी में जो पिछले 8 महीने से बिल्कुल खुलेआम रैम्पेंट एनकाउंटर के नाम पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, और पूरा मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर उनके संरक्षण में जो बिल्कुल बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस के द्वारा जो मर्डर करे जा रहे हैं उस पर काफ़ी रोशनी डाली है। बहुत बड़ा और हिम्मत का काम किया है, और मैं इन परिवार वालों को भी, जो कुछ विक्टिम्स हैं उनके परिवार वालों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इतने प्रेशर के बावजूद भी, इतनी धमकियों के बावजूद भी पुलिस के द्वारा ये लोग आज यहां आए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कंप्लेंट करी है, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो कुछ सुना, जो आपको अलग अलग लोगों ने बताया, खासकर ये सिटीजंस अगेंस्ट हेट के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशंस करे और जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, वो सुनने के बाद कोई इसमें शक नहीं रह जाता, ज़रा भी शक नहीं रह जाता कि ये जितने एनकाउंटर्स यूपी में हो रहे हैं पिछले 8 महीने में जो हुए हैं, इसका एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं मालूम, कभी 500 का आंकड़ा आता है, कभी 1000 का आंकड़ा आता है, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को इंजरी हो चुकी है। करीब करीब सारे ही बिल्कुल फेक एनकाउंटर्स हैं, एनकाउंटर नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है पुलिस के द्वारा। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बड़े अपनी छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ जी हम कर रहे हैं एनकाउंटर, करेंगे, सबको ठोक देंगे। दूसरी तरफ एक SHO का ऑडियो आता है जो कि एक किसी एक क्रिमिनल से बात कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो एनकाउंटर्स करे जा रहे हैं ये कह के करे जा रहे हैं कि ये सब क्रिमिनल्स हैं। इनमें से ज़रूर कुछ लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, रही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैं तो उनको योगी नहीं कहता, मैं तो उनको ढोंगी कहता हूँ, ढोंगी आदित्यनाथ, जो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं ठोक दूंगा, जैसे कि बॉलीवुड की फिल्म्स में अब तक 56 इस तरह की कई फिल्म्स बनी हैं जिसमें कि ये दिखाया गया है कि वो पुलिस वाला है वो जाकर कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर देता है और उसकी बड़ी तारीफ होती है कि उसने क्रिमिनल को मार दिया। अब इनमें से बहुत सारे या कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फर्जी क्रिमिनल केस बनाए गए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई ये क्रिमिनल है, इनको मार दिया, जिनके खिलाफ एकदम आखिर में जब उनका एनकाउंटर कर दिया तो फिर ये अनाउंस किया गया कि भाई इनका, इनके नाम पर, इनके सर पर ये रिवॉर्ड है। तो पहली बात तो इसीलिए एनकाउंटर किलिंग को बहुत सीरियस क्राइम माना गया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसमें बहुत कई सारी गाइडलाइंस बनाई। उसमें से एक गाइडलाइन ये है कि भाई इन सारे एनकाउंटर्स का इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, स्वतंत्र तहकीकात। अब कर क्या रहे हैं यूपी वाले कि बगल वाले पुलिस स्टेशन से तहकीकात करवाते हैं। अरे भाई जब पुलिस के आला अफसर जिनको मेडल दिए जा रहे हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को कोई मेडल वेडल नहीं दिया जा सकता, फिर भी मेडल दिए जा रहे हैं, प्रमोशन दिए जा रहे हैं,
और उनके खिलाफ कोई जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर लेवल का बगल के पुलिस स्टेशन से कोई इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? और ऐसे हालात में जहां चीफ मिनिस्टर खुद छाती ठोक कर कह रहा है हम करना रहे और हम करवाते रहेंगे, ये कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है? और इसीलिए कायदे से इन सारे एनकाउंटर्स का इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा करवाना चाहिए। और ये जो कल कंप्लेंट दी गई है एनएचआरसी को, जिसमें कि 9 केसेस जो पूरे डॉक्यूमेंट करके दिए गए हैं, उसमें यही मांग करी है कि भाई आप अपनी स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भेज के उनके जरिए इन्वेस्टिगेशन करवाइए, कोई पुलिस अथॉरिटी के ऊपर मत छोड़िए। इसमें अगर सीबीआई का भी इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा, वो भी काफी हद तक इस पर ये शंका है कि वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, क्योंकि सरकार यूपी की, केंद्र की सरकार भी तो भाजपा की है और सीबीआई केंद्र के सरकार के तहत है। तो इसलिए ये सोच लेना कि भाई अगर सीबीआई को भी दे दिया गया तो इसमें स्वतंत्र तहकीकात या जांच हो जाएगी, ये भी गलत होगा। हो सकता है कभी कभी हो जाती है स्वतंत्र जांच, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इसलिए और एक दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में बनाया गया था, इस तरह के मानव अधिकार के जो उल्लंघन होते हैं ये तो सबसे सीरियस है कि आप किसी को ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, पुलिस के द्वारा मर्डर करते हैं। तो ये सोचा गया था कि वो अपने आप स्वतंत्र जांच करवा लेंगे और उनकी अपनी इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी होगी, यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी सीबीआई होगी। लेकिन हुआ ये है कि सरकार ने उनको पैसे ही नहीं दिए कि भाई आप अपने ऑफिसर अपॉइंट कर लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन कर सके। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मणिपुर वाले केस में, मणिपुर एनकाउंटर किलिंग्स वाले केस में ये बोला है कि भाई ह्यूमन राइट्स कमीशन को सरकार पर्याप्त पैसे दे जिससे कि वो पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन विंग खड़ा कर पाए, भी सरकार नहीं दे रही, जिससे कि कोई एनएचआरसी फंक्शन ही ना कर सके और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो ही ना सके। तो ये बहुत सीरियस मामला है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई अरे क्या है, कुछ क्रिमिनल्स के ही तो एनकाउंटर हो रहे हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्रिमिनल्स हैं कि नहीं है। दूसरी बात, अगर क्रिमिनल्स हैं भी तो इस तरह से थोड़ी आप एनकाउंटर कर सकते हैं उनका। और इसीलिए बार बार कोर्ट्स ने ये बोला है कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, ये तो छोटे छोटे पेटी क्रिमिनल्स का को ये लोग पकड़ पकड़ के इस तरह से मार रहे हैं और दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं, दो चीजें दिखा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि देखो हमने क्रिमिनल को मार दिया, मतलब मुख्यमंत्री तो मोर और लेस एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये फेक एनकाउंटर है, लेकिन हमने क्रिमिनल्स को मार दिया और सोच रहे हैं कि इससे उनको वोट मिलेगी। और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने सुना ज्यादातर लोग मुस्लिम या दलित फैमिली के जिनका एनकाउंटर करा गया, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये लोग तो सब क्रिमिनल्स होते हैं। तो बहुत गंभीर मामला है, और अगर ये सब चलता रहा तो इस देश में कानून का राज नहीं रह पाएगा। अगर ऐसी स्थिति रही कि मुख्यमंत्री और पुलिस ये कहती है कि हाँ हम तो जिसको चाहे मार देंगे, बस उसको हम क्रिमिनल का करार दे देंगे कि भाई क्रिमिनल था, हमने मार दिया एनकाउंटर करके, तब तो ये पुलिस, ये जो आज लिंच मॉब्स चारों तरफ घूम रहे हैं, ये गुंडों के गैंग्स घूम रहे हैं, इनको नहीं रोक पाएंगे। और दूसरा, वो सब जो टेप में आया, एक्सटॉर्शन चलने लगेगा। टेप में यही तो कह रहा है वो एसएचओ, उस एक कोई क्रिमिनल है उससे कि भाई तुम इनको सेट कर लो, बीजेपी का जो तुम्हारा एमएलए है उसको सेट कर लो, लोकल जो एमएलए है उसको सेट कर लो, फिर तुम्हारा एनकाउंटर नहीं होगा, फिर तुम बच जाओगे।
अब तो पूरा सीधा सीधा एक्सटॉर्शन हुआ करेगा कि इनोसेंट आदमियों को भी आप बोल दें कि भाई तुम उनको पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, और जिस आदमी ने पैसे दे दिए उसको छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत गंभीर मामला है, इस पर पूरे सिविल सोसाइटी को, खासकर मीडिया को, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य है कि 8 महीने से ये सब चल रहा है, अब जाकर इस पर एक पहली व्यवस्थित रिपोर्ट आई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये बहुत पहले होना चाहिए। इतने सारे एनकाउंटर्स क्या, इतने सारे मर्डर्स हो चुके हैं यूपी में, 50 से भी ज्यादा, और उसके बाद जाकर हम लोग ये कर रहे हैं। खैर, जब भी कर रहे हैं, अब इस पर मीडिया की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस पर सतर्क रहें, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और ये सरकार को फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई हमको इससे वाहवाही मिलेगी, वोट मिलेगी वगैरह। तो आखिर में मैं इन सारे लोगों को, और ये जो हमारे जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिन्होंने रिपोर्ट जारी करी, सब ये लोग बता चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें ये दिखा रही हैं कि ये सारे फर्जी एनकाउंटर हैं, एनकाउंटर नहीं, कोल्ड ब्लडेड किलिंग है। इतनी सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं, इतने सारे सर्कमस्टांसेस। मैंने तो कल जब ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया तो उनको सब बताया कि तो देखिए ये सारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये तो जेन्युइन एनकाउंटर हो ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। और अब आखिर में हम लोग इस इंटरिम सिटीजंस अगेंस्ट केप कलेक्टिव की इंटरिम रिपोर्ट काउंटरिंग द साइलेंस का फॉर्मल रिलीज, इसका बाकायदा इजरा करना चाहेंगे। उसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ सारे एंडोर्सीज से कि वो स्टेज के सामने आ जाएं। सबसे पहले एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब और राजीव यादव जी रायमन से, और उसके अलावा नदीम अहमद साहब यूनाइटेड अगेंस्ट केप ग्रुप से, सुहेल के कुल फाउंडेशन से। आप सबसे दरखास्त है आप लोग स्टेज के सामने आ जाएं। उसके बाद देविका प्रसाद कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, अंसार इंदौरी NCHRO, मुशफिक रजा APCR, और निसार फाउंडेशन से नासिर भाई, सलीम भाई, आप दोनों ही एक्टिविस्ट हैं, मिशन पे काम कर रहे हैं, और अकरम अख्तर चौधरी। आप सबसे दरखास्त है कि आप लोग स्टेज के सामने आ जाएँ। इसके अलावा एडवोकेट मंगला और बलजीत कौर से भी दरखास्त है कि आप लोग सामने स्टेज के सामने आ जाए। भैया सामने से चल बैठ जाओ, फिर सब बैठ चल ले। अरे मैम,